आप देख रहे हैं आपका हमारा अपने रक्षित यूट्यूब चैनल वीडियो चल के चैनल को लाइक शेयर जरूर करते हैं। चलते हैं आज की वीडियो के टाइटल है कि जैद आमिर टॉक्स अबाउट राम मंदिर मेजर गौर वाले। तो देखते हैं क्या बोला है जैद राम मंदिर के बारे में, फिर देते हैं इस पर अपना। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। अच्छा, पाकिस्तान के मशहूर डिफेंस एनालिस्ट जैद हामिद ने ये फरमाया है, आप वाह वाह तो करिए साहब, मैं कह रहा हूं फरमाया है, आप लोग ऐसी सूखा सूखा सुन रहे हैं, वाह वाह, कि ये हिंदू और सिख ये गंदे बदबूदार डर्टी पीपल ये मदीना कैसे जा सकते हैं, है? ये जैद हामिद ने बोला। और ठीक बात है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन जैद हामिद देखो यार, ऐसा है ना कि क्रिकेट का गेम है, तुमने बल्लेबाजी कर ली, अब मेजर भी तो करेगा बल्लेबाजी। अब देखो ऐसा है कि स्मृति ईरानी जी जो माननीय कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वो गई मदीना भारतीय मुसलमानों का पक्ष रखने के लिए, उनके बारे में बातचीत करने के लिए कि किस तरीके से जो हज का कोटा है उसका बेहतरीन इस्तेमाल हो पाए, किस तरीके से भारतीय मुसलमानों को और फैसिलिटीज मिलें भारतीय मुसलमानों का, बिकॉज शी इज मिनिस्टर फॉर माइनॉरिटीज, तो वो करने गई। तो भाई साहब, पाकिस्तान को तो मैंने पहले भी कवर करा था, पाकिस्तान को हजम नहीं हुआ, पाकिस्तान को हजम नहीं हुआ, और किसी मुल्क ने कुछ नहीं बोला, और किसी मुसलमान मुल्क ने कुछ नहीं बोला, यही पाकिस्तानी हैं जिनको ऐसे पेट से भाई उबाल आ रहा है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, मौत ना आ जाए इनको, अभी मौत ना आ जाए, हाय तौबा, मुंह से झाग निकल रहा है पाकिस्तानियों के, पागल हो रखे हैं बिल्कुल। तो जैद हामिद ने बीच में बोला कि कैसे वैसे, और बहुत लोगों ने कहा आज हम जैद हामिद की बात करते हैं, कभी मैंने इसकी बात नहीं करी आज से पहले, आज हम बात करेंगे आदरणीय श्री लाल टोपी जी की। तो दोस्तों ऐसा है कि इनका ये भारत के खिलाफ ये जहर कहां से आता है, जैद हामिद मैं ये बात समझता हूं बेटा कि हिंदुओं के खिलाफ जो नफरत है ये कहां से है और कहां से उत्पन्न होती, कहां से आती और इतनी मजबूत क्यों नफरत है तुम लोगों के दिल में हिंदुओं के लिए, वो कोई दिक्कत नहीं है, वो कोई दिक्कत नहीं है, तुम जितनी बद्दुआएं दो हमारा मुल्क और तरक्की करता चला जाएगा और तुम्हारा बेड़ा गर्क होता जाएगा। वैसे घर जाके कभी अपने दादा का नाम पूछना, वो कौन था भैया अमर अकबर एंथोनी में क्या नाम था, किशन लाल है तुम्हारे दादा का नाम, समझे, चेक करो जरा, चेक करवाओ, तुम्हारे दादा का नाम किशन लाल है, किशन लाल का बेटा बाद में कन्वर्ट हो गया और तुम पैदा हो गए उस घर में, ठीक है। तो जैद हामिद और नाम ऐसे ऐसे लंबे चौड़े, लेकिन बेटा तुम हो किशन लाल की औलाद। एनीवे, अच्छा क्या हुआ कि जैद हामिद की आदत है बकवास करने की, ठीक है, ये आदमी जो है ये इसको है कुछ, जैसे कुछ लोगों को होता है ना कि बवसई टाइप का है, इसको है प्रॉब्लम। ये गया सऊदी अरब, ये कुछ साल पहले की बात बता रहा हूं, ये भाई साहब पहुंचे सऊदी अरब, सऊदी अरब पहुंच के ये सऊदी अरब को मुसलमान बनना सिखा रहे थे कि तुम कैसे बेहतर मुसलमान बन सकते हो, तुम में क्या कमियां हैं, तुम किस तरीके से कमियों को दूर कर सकते हो, क्योंकि ये आदमी है ऐसा, ठीक है। सऊदी अरब ने बोला कि अच्छा तुम बहुत बोलती है अभी भी है, चलो आओ हमारे मेहमान बनती, तुम्हें रोज रोज खजूर खिलाती। तो शेख ने पकड़ के उसको जेल में डाल दिया, 8 साल की जेल, और बोला कि अंग विशेष पे 1000 कोड़े पड़ेंगे। और भाई साहब इसको कोड़े पड़ना शुरू हुए अंग विशेष पे, तो ये ऐसे, ये देखिए, ये बंदर की फोटो नहीं है भाई, ये जैद हामिद है, सऊदी अरब की जेल में मार खा खा के ऐसे ही हो गया। तो एक जमाना था जब वापस, जब ये पाकिस्तान आया, मैं वापस जाऊंगा कोड़े पड़ने वाले इंसिडेंट पे बाद में, थोड़ा सा ये सुन लीजिए, पाकिस्तान आता था, बोला कि जैद हामिद साहब अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, तशरीफ रखिए, तो जैसे ही बोलते थे तशरीफ रखिए तो उसकी रूह कांप जाती थी, औंधे मुंह लेट जाता था, क्योंकि इसकी तशरीफ कर दी थी शेखों ने लाल, क्योंकि ये वहां पे बकवास कर रहा था और यहां पे अरबों को सिखा रहा था कि तुम्हें कैसे बेहतर मुसलमान बनना है, तुम क्या गलत कर रहे हो, तुम ये गलत हो, आलम है। अच्छा, ये बंदा है गजवा हिंद, जो कि सबसे बड़ा झूठ है, गजवा हिंद सबसे बड़ा फ्रॉड है, कोशिश कोई भी करे, किसी भी किताब में कुछ लिखा हो, तुम क्या गजवा फजवा करोगे यार, है गजवे के लिए पैसे चाहिए, और गजवे के लिए क्या चाहिए, हिम्मत। बात करते हो गजवाए हिंद की, ये जैद हामिद अक्सर कहता है गजवाए हिंद, गजवा, किसने रोका भाई तुम्हें, किसने रोका है, एक दिन सारी आलम इस्लाम की फौजें आएंगी और वो गजवाए हिंद करेंगी। कपिल शर्मा की शो देख लेना, आएंगी गजवाए हिंद करेंगी, तुम्हें रोका है किसी ने, आ जाओ भाई, आ जाओ।
अट्टा पे ही पिटोगे तुम बेटा, तुम तुम गजबा इन बाद में करना, अट्टा में पता लगा मोबाइल वोबाइल छीन लिया, तुम्हारा चेन वेन छीन ली, ठीक है, और लपड़ वपड़ और मार दिया तुमको, गजबा हिंद करना। तो ये भाई ये बड़े एक अच्छा, पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूंसी है भाई गजबा हिंद की, आप लोग हल्का ना समझे पाकिस्तानियों को, एक पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी है इनकी गजबा हिंद की, और गजबा हिंद की ये कॉन्स्टिट्यूंसी है कि भाई हिंदुओं का हम सरकलम करेंगे और लाल किले पे हम सब्ज परचम लहराएंगे इंशाल्लाह, और ये करेंगे ये करेंगे, दुनिया भर का एक ड्रामा है, और कई पाकिस्तानी इसमें बिलीव करते हैं। पाकिस्तानी पंजाबी जो हैं, पाकिस्तानी पंजाबियों की कम्युनिटी बहुत जोर से बिलीव करती है, क्योंकि वो कम्युनिटी ऐसी है पाकिस्तानी पंजाबियों की जो सिर्फ बिलीव करती है, काम कुछ नहीं करती, ठीक है। कोई पठान बात करे गजबा हिंद का तो हम एक बार सीरियसली ले लें, को बलोच बात करें हम सीरियसली ले लें, पाकिस्तानी पंजाबी बोल रहा है गजबा हिंद, तुम लोग तो वैसे ही नॉन सीरियस कौम हो यार, तुम्हें कोई सीरियसली नहीं लेता, ठीक है। गजबा हिंद करेंगे, फिर हम आ रहे हैं घोड़े पे चढ़ के आ रहे हैं, अपने सांग सांग ला रहे हैं और घोड़े, बस यही काम करना तुम, सांग सांग ढांग ढांग, ठीक है जी। तो ये बात है गजबा हिंद की, और ये बात है जैद हामिद की। अब सुनिए एक और बात, अब देखिए जब इसको कोड़े पड़ रहे थे ना, तो फिर पाकिस्तान ने बोला कि हमें कॉन्सुलर एक्सेस चाहिए, जो होता है डिप्लोमेट्स जाते हैं, आपका जो एम्बेसी है पाकिस्तान का, जो एम्बेसी है सऊदी अरेबिया में, वो जाएगा बोलेगा कि साहब हमें हमारा बंदा फंस गया, तो सऊदी अरब ने मना कर दिया, हम इसको कॉन्सुलर एक्सेस देंगे। जो रोज इसको पढ़ रहे थे, किश्त होती है ना कोड़ों की, किश्त होती है, तो रोज इसको वो आता था ऊँट पे शेख कोड़ा लेके, कहता था अभी भी मुँह खोलो पहले खजूर खाओ, अब लो कोड़े कोड़े कोड़े, और फिर एडिटर साहब जरा दोबारा फोटो दिखाना जैद अहमद की, यस दिस वन या दैट वन। तो ये जैद अहमद की फोटो कोड़े पड़ने के बाद अंग विशेष हो गया, बिल्कुल ऐसा जैसे कश्मीर का सेब। कश्मीर का सेब इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इनका बड़ा फैसिनेशन है कश्मीर के साथ, और गजबा हिंद वहीं से शुरू करेंगे कश्मीर से, तो बड़ा फैसिनेशन है कश्मीर के साथ, तो कश्मीर कश्मीर बोलते हुए इनका अंग विशेष बिल्कुल हो गया कश्मीरी सेब। अच्छा एडिटर साहब एक साइड लगाइए जैद अहमद की फोटो, ठीक है, अंग विशेष वाली, और दूसरी जगह कश्मीरी सेब। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ दोस्तों, इनमें कोई फर्क पता लग रहा है आपको? सेम टू सेम, सेम टू सेम। अच्छा एनीवे, तो एक इसका कई साल के बाद एक इसका बंदा जो इसकी टीम में था, इसने इसके बारे में बताया, इसके बारे में बताया, और क्या बताया कि इसको पाकिस्तानी आईएसआई ने रख रखा है साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस वेज करने के लिए, कि ये साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस करेगा। यार मैं, मेरी नजरों में वैसी आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी गिरी हुई थी, आज और गिर गई यार, मुझे नहीं पता था इससे ज्यादा कोई गिर सकता है, लेकिन तुम लोग गड्ढा खोद के उसके अंदर कूद गए। तुमने जैद हामिद को रखा था, मतलब कोई बढ़िया बंदा लेते साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस के लिए तो हमें भी मजा आता यार। कभी कभी बड़ा दिल दुखता है यार कि अपना दुश्मन जब हल्का निकलता है ना, तब हम कहते हैं यार यही पाकिस्तान था जिसके बारे में हम कह रहे थे कि पाकिस्तान और इंडिया ने स्ट्राइक कोर ये कर दी, और यहां पे वन कोर टू कोर 21 कोर पाकिस्तान के इतने हल्के, यार हमने गलती कर दी, बहुत पैसा खर्च हो गया, बहुत समय बर्बाद हो गया पाकिस्तान के पीछे पीछे। भाई इनको तो मैं बता रहा हूं, इनको भेजो यहां से उत्तर प्रदेश पुलिस की पीएसी, जो लठ लेके जाएगी इनके लठ बजाएगी, ये उसी लायक है, पीएसी इनको तोड़ देगी, बता रहा हूं मैं आपको। अब देखिए बात यह है कि मैं एक और चीज आपको बताता हूं बड़ी इंटरेस्टिंग, क्योंकि इसको जैद हामिद को जो 22 जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा है ना रामलला की, उसको बड़ी खुजली है जैद हामिद को कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, नहीं होना चाहिए। अबे नहीं होना चाहिए तो अरे पाकिस्तानी पंजाबी, अबे लाहौरिये कुछ कर ना, कुछ तो कर, सिर्फ बोलेगा, सिर्फ बोल बोल के सर में दर्द करेगा हमारे, कुछ तो कर यार, रोक रोक, आगे आ AK-47 लेके अपने बंदे भेज, दहशत बना, कुछ कुछ तो कर यार। पाकिस्तानी पंजाबी, यू आर जस्ट पाकिस्तानी पंजाबी, नथिंग एल्स, यू नो जीरो परफॉर्मेंस। वो बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी बढ़के मार रहा, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। अभी देखो पाकिस्तान में सेनेट ने फिर ये बोला है कि पाकिस्तान के चुनाव कैंसिल कर दो या पोस्टपोन कर दो, क्योंकि ठंड बहुत है और सिक्योरिटी। अभी फिर कल इन्होंने कर दिया, बेवकूफ के बच्चों ने कल फिर कर दिया ये काम, बोला कि बहुत ठंड है पाकिस्तान में, फिर चुनाव बाद में होंगे, पाकिस्तान में दहशत, दहशत तो तुम्हारा पूरा मुल्क 25 करोड़ दहशतगर्द है पाकिस्तान में, तो इसका मतलब चुनाव नहीं होंगे पाकिस्तान में। एनीवे हमारे लिए कहते हैं यार कि देखो मोदी साहब ने क्या कर दिया है,
मोदी साहब ने मंदिर का कर दिया क्योंकि वो 2024 का चुनाव जीतना चाहते थे, ये कर, चुनाव तो हो रहे हैं भारत में भाई, तुम अपने मुल्क में देखो काकड़, इनका जो केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर है काकड़, काकड़ का क्या काम था कि 90 दिन के अंदर जिस दिन वो प्रधानमंत्री की शपथ लेगा उस दिन डे जीरो है, अगले 90 दिन के अंदर उसको पाकिस्तान में चुनाव कर, 90 दिन कब के चले गए, 90 दिन भाई कब के चले गए, काकड़ चुनाव नहीं कर रहा है, काकड़ पोस्टपोन करवा रहा है, पोस्टपोन करवा रहा है, को काकड़ चाहता है मैं ही प्रधानमंत्री बना रहा हूं बिना इलेक्शन के बिना किसी चीज के, आर्मी चीफ ने बोल दिया जा बेटा काकड़ जी ले अपनी जिंदगी, तो ये भी सिमरन की तरह भाग रहा है रेलवे स्टेशन में कि वो पकड़ ले, क्या नाम था उसका भाई, राज, राज डीडीएलजे का राज, तो जी ले अपनी जिंदगी, वो भी भाग रहा है। अब देखो यार, और ये है पाकिस्तानी दोस्तों जो हमारी चुनाव प्रक्रिया पे उंगलियां उठाते हैं, पूछते हैं ऐसा क्यों वैसा क्यों, वो पाकिस्तान जहां पे। तो ये दोस्तों वीडियो भी खत्म। अच्छा ज्यादा हम पहले राम मंदिर पर बात करते हैं फिर गजवा एंड पर बात करते हैं, मजे साहब ने तो ललकार दिया बकायदा, खैर कोई बात नहीं। अच्छा जैद अहमद ने कहा कि ये क्यों मांग रहा है, कैसे मांग रहा है, क्यों इसलिए मांग रहा है क्योंकि मोदी साहब 2024 में इलेक्शन जीतना चाहते हैं। अक्सर हमारे लोगों के जहन में भी कही हूँ कि ये कमाल है कि जो पीएम मोदी साहब हैं वो मतलब ये चुनाव उन्होंने टाइमिंग ये सेट इसलिए की है क्योंकि 2024 के अंदर ही इलेक्शन है और सबसे ज़्यादा हिंदुओं की उधर मेजोरिटी है और उनको खुश करने के लिए पीएम मोदी साहब ने ये इसलिए 2024 में इसकी इफ्तिताह रखा है, उनके लोग जो खुश होकर के ये कहें कि देखो भाई पीएम मोदी ने हिंदुओं के लिए इतना काम कर दिया और सारे हिंदू की मेजोरिटियों की जो है जो वोट है वो आएंगे इसको पीएम मोदी को और पीएम मोदी जीत जाए। ज़ियाद अहमद ने भी ऐसे फलसफा चला है तो उस पर पीछे अच्छी तरीके से छतरौल की है अपना इसके क्या नाम मेरे साहब ने, मेरे साहब ने कहा कि ठीक है कम अज कम इलेक्शन तो हो रहे हैं ना, और आपके जो क्या 11 मई को इलेक्शन होना था ना पंजाब का और केपीके का, हुआ नहीं हुआ। फिर ये काकड़ की बात की पर मेरे साहब ने कि काकड़ साहब 90 दिन के अंदर इलेक्शन को करवाने का प्रबंध है, होगा 90 दिन के अंदर नहीं, वो कम अज कम चले ठीक है कोई भी मोटिव हो पी है मोदी साहब का यह राम मंदिर का, ये जैद अहमद फिर जैद अहमद कहा कि तुम लाओ AK-47 में कुछ चल्ला गुला करो इतने जो कि हो नहीं। अच्छा पंजाबी जो है ना पंजाबियों से बड़ा सख्त किस्म का जो ना रखते हैं नाराजगी मेरे साहब, हम भी पंजाबी हैं और ये बात हकीकत है सच है, जो पाकिस्तानी पंजाबी स्पेशली इंडियन पंजाबियों का तो मुझे पता नहीं, 2 नंबर ही है ज़्यादा बुजदिल है, ये अपने फ्यूचर सेट करने में मतलब के लगे रहते हैं कि कई यार यहाँ से बच जाए यहाँ से बच जाए उनका फ्यूचर। हाँ उन्होंने पठानों की बात की, वो फ्यूचर है किधर यार, कोशिश कोशिश तो करते क्या है बताओ, वो अनवारुल काकड़ के हाथों में क्या फ्यूचर है यार, कोई फ्यूचर कोई मशहूर है कोई नहीं, तो फिर किस फ्यूचर की बात कर रहे हैं। मेजर साहब ने ना बड़ी बड़ी छोड़ी है, मतलब कि मेजर साहब कैमरे के ऊपर थे, मतलब क्या ऑन रिकॉर्ड ये था, अगर मैं कहता हूँ मेजर साहब को बहुत ज्यादा गुस्सा था, मेजर साहब पाकिस्तान के बारे में बोलते रहते हैं, हम भी वो पहले नहीं गुस्सा निकाल करते हैं, आज जैद अहमद ने एक मरतबा बोला मेरी बात सुने, जैद अहमद ने बोल दिया तो मेजर देख लें कि उस पर कितना चला चीख रहा है, मेरे ख्याल से इसको बहुत ज्यादा गुस्सा है, ये मतलब के ना कुछ संभाल कर ये बातें कर रहा है कैमरे पर, उसको देख लें कि बंदर की उसकी शक्ल लगा दी है जैद अहमद की, इससे उस शख्स की जो इसने तस्वीर लगाई है या कोई भी किसी की पोस्ट इस तरह लगाता है उसकी तरबियत का वादा की तरबियत का पता चल जाता है उन्होंने किस तरह की तरबियत दी हुई। अच्छा ये कोड़े जो पड़े सऊदी अरब के अंदर जैद अहमद ये क्या सीन है, नहीं पता इसका, जैद अहमद को कोड़े पड़ने की बात कर रहा था मेजर साहब, लेकिन अरबों को मुसलमान बनना चाहिए वैसा मुसलमान बनना चाहिए, मैं नहीं पता इस बात का, आज पहली मत भाई सामने मेजर सर की वीडियो, मेजर सर की ऐसी कुछ बातें होती हैं जो तो हमने सर के ऊपर से गुजर जाती हैं, मैं पहली दफा सुनी होती है, ऐसे गुजर जाती हैं पता नहीं चलता कि क्या है, कब कूड़े पड़े इस ज्यादा उनको, नहीं यार भाई ना तो कोई वीडियो दिखाई गई ना वो ना वो हुकूमत बताएगी ये ना उसको पाकिस्तान वापस आएगा, वापस आए बता रहे कुछ भी नहीं बताया गया। अच्छा गैर सबूत के सामने बात की कि कोड़े पड़े हैं, हमें इस बात का नहीं पता कोड़े पड़े हैं। अच्छा यकूब भाई आपको क्या लगता है जो पीएम मोदी साहब ने ये इनॉग्रेशन रखा है 22 जनवरी को राम मंदिर का, इसके पीछे क्या उनकी कोई सियासी चाल है, आपको क्या लगता है पर्सनल तौर पर सोचे तो, मुझे तो ना इसमें बराबरी नजर आती है, क्या मतलब है कि इलेक्शन भी है
24 में हो रहा है, तो ये इलेक्शन भी हो सकता है। और उससे पहले उन्होंने बात पहले ही बताई कि बीजेपी ने कि ये हमने मंदिर बना रहे हैं ना, जो इसका उद्घाटन करना है, उत्तरा करना है, वो उन्होंने पहले डेट फिक्स की हुई थी। ये भी है, यानी कि आप कहने का मतलब है एक तीर से दो शिकार, आप बिल्कुल कह सकते हैं, मतलब ये हो भी सकता नहीं लगता भाई, ये कुछ होता है। लेकिन इसकी वजह देख रहे हैं कि ये पाकिस्तानी ही इंडिया है, पाकिस्तान आर जो सॉरी जो पीएम मोदी आर रेडी, उनके पीएम सिलेक्ट हो चुके हैं चुनाव से पहले। यार वो तो जिस तरह हमारे मुल्क में बोला गया ना कि नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर है, क्योंकि उसको जिस तरह लाया गया ना पता तो चल गया। नहीं नहीं ओ यार, आप कंपेयर कर रहे हैं नवाज शरीफ के साथ पीएम मोदी का, हम अभी मानते हैं ना पीएम हमारे इमरान खान साहब। तो जेल में बात ही नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ और तू जवाब और दे रहा है। मैं कह रहा हूँ पीएम मोदी इलेक्टेड हो गए और ये सिलेक्टेड हो गए, फर्क होगा। पीएम मोदी इलेक्शन जिस तरह आया उनको पता मैं वजीर आजम बनने आया हूँ, जो कि नहीं बनेगा। लेकिन मोदी को पता है मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, उनके अपने कामों की वजह से पता है। असल में आप कह रहे हैं कि 50-50 लगता है कि ये जो अयोध्या मंदिर वो बना रहे हैं शायद वोटों की खातर। आप मेरी बात से एग्री ना भी करें ना, लेकिन इससे पहले मोदी साहब ने इतने बड़े काम कर दिए हैं इंडिया में, यार मैं सबको बेमिसाल है भाई। काम है, काम हम मानते हैं, लेकिन इसमें सियासत ना हो ये मेरा जमीर मानता नहीं। जिसमें अयोध्या मंदिर, हाँ इसमें सियासत ना हो चमकाई जा रही हो ये मेरा जमीर नहीं मानता, सियासत ना चमकाई जा रही। अपनी अपनी सोच है, अपना बिल्कुल मैं अपनी सोच के मुताबिक बात कर रहा हूँ। पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं हो सकता है गलत भी हो, लेकिन जितना मुझे पता है सियासत जिस तरह चल रही है ये सियासत भी है। ये उद्घाटन भी कर रहे हैं तथा जिसको मुझे वो भी करने आ रहे हैं, लेकिन इसमें सियासत भी जरूर है, उसको ये जरूर फायदा मिलेगा। गजवा की भी बात फिर हो, मैं इसके ऊपर फिर गजवा के बाहर मैं नहीं बोलना चाहूंगा, गजवा के ऊपर मैंने बात नहीं करनी। जाहिद अहमद की कोई भी करे नहीं, जाहिद अहमद कहता मैंने गजवा नहीं करना है तो कर ले, मेरे साथ ने कहा है आ जाओ हम बैठे इसलिए। यार ये देखिए ना, जब पैसे ना मेजर लड़ सकता है गजवा इन कर सकता है ना ही लाल टोपी कर सकता है, ये कर सकते हैं दूसरे बातें कर सकते हैं, वो कर देंगे। ये तो बिल्कुल बात ठीक है, ये दोनों बतूनी बातें कर सकते हैं। इंडिया की तरफ से हमें अखंड भारत की धमकियां मिलती हैं और पाकिस्तान की तरफ से गजवा इंदगी, तो बस बातें हैं ना, बातें हैं। जब होगा देखा जाएगा फिर क्या। बिल्कुल तब तक लीजिए इजाजत अल्लाह।